Okay sir, I think we are ready to go. Okay, तो हेडिंग डालिएगा सम इम्पोर्टेंट पासेस इन दी पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इंपॉर्टेंट पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस इन दी पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस इन दी पेनिनसुलर इंडिया। पहला लिख लेगा हल्दी घाटी पास, पहला लिखेगा हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी कभी सुना है आपने? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी जगह का नाम सुना है, हल्दी घाटी पास। तो हल्दी घाटी अगर जगह का नाम सुना है तो कॉमन सेंस क्या आप लोग लगा सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है हल्दी घाटी? अगर मतलब सुना होगा जीवन में कभी तो, मतलब एक बहुत फेमस पोयम भी है कि हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, ऐसे करके एक पोयम भी है बहुत फेमस, ठीक है, सॉन्ग कह सकते हैं आप उसे। तो हल्दी घाटी जो है ये आपको राजस्थान में दिखता है, ठीक है, राजस्थान में दिखता है सर, राजस्थान में दिखता है हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी पास, ठीक है, राजस्थान के पास दिखता है हल्दी घाटी पास। ये आपको दिखेगा अरावली माउंटेन के बगल में, अरावली माउंटेन के बगल में दिखेगा, ठीक है, ये अरावली माउंटेन के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है, अरावली माउंटेन के अगल बगल दिखेगा आपको, समझ में आया? नियर अरावली माउंटेन, नियर बाई अरावली माउंटेन, ओके, अरावली माउंटेन। एंड अरावली माउंटेन इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन, true or false? Aravali mountain is a kind of block mountain, true or false? तो सर जीवन में मतलब इतना झूठ तो उसने भी नहीं बोला था, यू नो, बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है, बहुत बड़ा झूठ है, ओके तो अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में तो आपको ये दिख रहा है अरावली, ये दिख रहा है अरावली, अरावली के बगल में दिखेगा आपको, अरावली के बगल में दिखेगा आपको सर हल्दी घाटी, ठीक है, अरावली के बगल में दिखेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके जी। तो अगर आप राजस्थान का फिजिकल मैप खोलते हैं, ठीक है, अगर आप राजस्थान का फिजिकल मैप खोलते हैं तो ये आपको दिखेगा वहां पे अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज, और अरावली रेंज के इस साइड में आपको बना लेना है क्या, यहाँ पे बना लेना है क्या, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पास, ठीक है, हल्दी घाटी पास आपको बना लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको हल्दी घाटी पास बना लेना है, ठीक है। तो दिस इज हल्दी घाटी पास, दिस इज हल्दी घाटी पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेगा थालघाट, थालघाट पास, थालघाट पास। यह आपको कहाँ नजर आता है? तो यह आपको महाराष्ट्र में नजर आता है, यह आपको महाराष्ट्र में नजर आएगा थालघाट, थालघाट पास। और थालघाट जो है ना, ये किसको किसको कनेक्ट करता है सर? कनेक्ट किसको किसको करता है, किस किस जगह को ये कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। नासिक नाम का जगह सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये थालघाट पास जो है ना, ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। मतलब अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आप किस पास के थ्रू जाओगे, किस दर्रे के थ्रू जाओगे? थालघाट के थ्रू जाओगे, ठीक है। एंड थालघाट पास आपको कहाँ नजर आता है सर? महाराष्ट्र में। Is it clear to all of you? Next लिखेगा, next लिखेगा भोरघाट, भोरघाट पास, भोरघाट पास, ठीक है सर। ये भी आपको महाराष्ट्र में ही नजर आएगा, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही नजर आएगा, ओके, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही नजर आएगा। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। मतलब अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो वाया किस पास से जाना पड़ेगा आपको? भोरघाट पास से, ठीक है, भोरघाट पास से। तो कैसे याद रखें हम लोग, तो सिंपल सी बात है याद रखना दोस्त कि ये है मुंबई, दिस इज मुंबई, मुंबई मेरी जान, दिस इज मुंबई। ओके, अगर आपको मुंबई से जाना है नासिक, दिस इज नासिक, मुंबई से नासिक जाना है ओके तो आप किस पास के थ्रू जाओगे, किस पास के थ्रू जाओगे, थालघाट, ठीक है, थालघाट पास के थ्रू जाओगे, थालघाट। ओके, आपको अगर मुंबई से नासिक की ओर जाना है तो कौन से पास से जाओगे, थालघाट, थालघाट पास से। लेकिन अगर आपको मुंबई से पुणे आना है, दिस इज पुणे, ओके दिस इज पुणे। अगर आपको मुंबई से पुणे आना है तो आप किस पास के थ्रू आओगे, भोरघाट, ओके भोरघाट पास के थ्रू आओगे, भोरघाट। मतलब थालघाट पास का हम लोग यूज करेंगे मुंबई से नासिक जाने के लिए, और भोरघाट पास का यूज करेंगे हम लोग मुंबई से पुणे आने के लिए। Is it clear to all of you? सर याद कैसे रखे, तो याद रखिएगा जब भी हम पुणे जाते हैं तो भोर भोर में जाते हैं, मतलब सुबह सुबह जाते हैं एकदम। मुंबई से पुणे जब भी जाएंगे तो भोरे भोरे जाएंगे एकदम सुबह सुबह। तो मुंबई से पुणे जाते वक्त आपको क्या मिलेगा, भोरघाट, और मुंबई से नासिक जाते हुए आपको क्या मिलेगा, थालघाट। ठीक है, आप लोग फिजिकल मैप खोल लीजिएगा महाराष्ट्र का, ओह शिट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप मार्क कर लेंगे, इस जगह पे आप मार्क कर लेंगे थालघाट, थालघाट, दिस इज मुंबई, इफ यू सी दिस इज मुंबई एंड दिस इज नासिक, दिस इज नासिक। तो मुंबई से जब नासिक जाना है आपको तो बीच में आपको क्या मिलेगा, थालघाट, एंड दिस इज मुंबई एंड दिस इज पुणे, इफ यू सी दिस इज पुणे। ठीक है, मुंबई से अगर पुणे जाना है तो बीच में आपको कौन सा पास मिलेगा, भोरघाट, भोरघाट पास मिलेगा। ठीक है, भोरघाट पास मिलेगा, तो आप बना लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हम लोग। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, भोरघाट हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग पालघाट, पालघाट पास, पालघाट पास, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पलक्कड़, पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप सुना होगा आप लोगों ने, पलक्कड़, पलक्कड़ सुना होगा। ठीक है, तो ये कहाँ है पालघाट या फिर पलक्कड़, ये किस जगह में है, तो ये आपको देखने को मिलता है सर बिटवीन नीलगिरी, नीलगिरी एंड अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच का जो गैप है ना, उस गैप के बीच में आपको देखने को मिलता है पालघाट गैप, पालघाट पास या फिर पलक्कड़ गैप। ठीक है, पलक्कड़ गैप या फिर पालघाट पास आपको किस जगह पे देखने को मिलेगा, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई, मतलब ये किसको किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स केरला टू कोयम्बतूर, कोयम्बतूर। ठीक है, केरला से अगर आपको कोयम्बतूर जाना है तो किस पास से आप जाएंगे, पालघाट पास से। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको जाना है केरला से कोयम्बतूर तो आप किस पास का यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे भोरघाट का। ट्रू और फॉल्स, सर झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि मुझे यूज करना है किस पास का, पालघाट पास का। ठीक है, पालघाट पास का मैं यूज करूंगा टू मूव फ्रॉम केरला टू कोयम्बतूर। ठीक है, केरला से कोयम्बतूर अगर मुझे जाना है तो कौन सा पास का मैं यूज करूंगा, पालघाट का। आगे बढ़े, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा सेनकोट्टई, सेनकोट्टई पास, या फिर इसी का एक और नाम है सेनकोट्टई, सेनकोट्टई पास, सेनकोट्टई या फिर सेनकोट्टई। ये आपको कहाँ दिखता है, तो ये आपको बिटवीन नीलगिरी, नीलगिरी एंड कार्डिमम, नॉट नीलगिरी सॉरी, बिटवीन अन्नामलाई अन्नामलाई एंड कार्डमम, अन्नामलाई एंड कार्डमम, ठीक है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में आपको दिखेगा, ठीक है, अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच में आपको दिखेगा कौन सा पास सर, सेनकोट्टई पास या फिर सेनकोट्टई पास। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है अगर आपको जाना है त्रिवेंद्रम से, अगर आपको जाना है कोची साइड, या फिर त्रिवेंद्रम से आपको जाना है मदुरई, ठीक है, त्रिवेंद्रम से आपको जाना है मदुरई, ठीक है, त्रिवेंद्रम से आपको मदुरई जाना है तो आपको कौन सा पास का यूज करना पड़ेगा सर, सेनकोट्टई पास का यूज करना पड़ेगा या फिर सेनकोट्टई पास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको बना के तो कल का आपको इमेज याद होना चाहिए कि दिस इज आवर केरला, ओके। और यहाँ पे कौन सा पर्वत था, कोई बताएगा क्या, हेल्प करेगा क्या, कौन सा पर्वत था? I cannot see your messages. You guys are texting or not? यहाँ पे कौन सा पर्वत था? नीलगिरी, अगर आपको याद हो तो, नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत था? हाँ जी, अन्नामलाई। और यहाँ पे कौन सा पर्वत था? कार्डमम। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो पास मिलेगा वो कौन सा पास होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक पास मिलेगा, कौन सा पास होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक पास मिलेगा, कौन सा पास होगा? पालघाट या फिर पलक्कड़ पास। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में एक पास मिलेगा, कौन सा पास होगा? सेनकोट्टई या फिर सेनकोट्टई, ठीक है। तो आपको ओपन करना है केरला का फिजिकल मैप और इस चीज को बना लेना है, ठीक है। I'll show it again, बट आप मैप पहले खोल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बना लेंगे इस जगह पे पालघाट या फिर पलक्कड़, और इस जगह पे बना लेंगे सेनकोट्टई, अगर आपको याद होगा। मतलब आपको बेसिकली अन्नामलाई और उसके बीच में बनाना है, एंड दिस इज दी वन, ओके। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। और भी इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पासेस नहीं है, मतलब इससे ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्लेटू, ठीक है, पठार, इम्पोर्टेंट प्लेटू। तो हेडिंग डालिएगा, Important plateaus of India, भारत के महत्वपूर्ण पठार, ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण पठार, important plateaus of India। तो भैया हम लोग झारखंड से क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन सा, छोटा नागपुर प्लेटू। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार। मतलब बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आप लोग झारखंड में रहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है सर, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो छोटा नागपुर पठार आपको कहाँ दिखेगा? इन झारखंड। ओके, कहाँ दिखेगा सर? झारखंड में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार जो है ना, ये इसके इसको मतलब प्यार से हम लोग सीएनपी बोल देते हैं, ठीक है? इसको हम लोग ना प्यार से सीएनपी बोल देते हैं, तो मैं भी प्यार से इसको सीएनपी बोलूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सीएनपी मास्टर क्या बोल रहा है। सीएनपी का मतलब और कुछ नहीं, छोटा नागपुर पठार, ठीक है? तो सीएनपी जो है ना, सीएनपी के नॉर्थ में आपको एक और पठार देखने को मिलता है। सीएनपी का नॉर्थ में आपको एक पठार देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटू, ठीक है? हजारीबाग प्लेटू। और छोटा नागपुर पठार के साउथ में आपको एक प्लेटू देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है? रांची का पठार। क्या बोला मैंने कि भाई साहब आपको दो पठार और देखने को मिलेंगे, ठीक है? छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग का पठार, और साउथ में देखने को मिलेगा क्या? रांची का पठार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मतलब इफ आई ड्रॉ इट, सो दिस इज योर सीएनपी, दिस इज सीएनपी। ओके, सीएनपी के नॉर्थ में आपको कौन सा पठार देखने को मिलेगा? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और सीएनपी के साउथ में क्या देखने को मिलेगा? रांची का पठार। ओके, ठीक है। एक और फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दामोदर रिवर, आप लोग सुनेंगे दामोदर रिवर जो है ये किन दो पठार के बीच में फ्लो करता है, किन दो पठारों के बीच में फॉलो करता है, ठीक है? क्योंकि दामोदर बहुत फेमस रिवर है सर झारखंड का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दामोदर रिवर जो है ना, दामोदर रिवर जो है इट फ्लोज बिटवीन दी हजारीबाग का पठार एंड सीएनपी, ठीक है? मतलब इन दोनों पठार के बीच में बहती है, हजारीबाग का पठार और सीएनपी के पठार के बीच में बहती है कौन सी रिवर? दामोदर रिवर, ठीक है? दामोदर रिवर, ठीक है सर, दामोदर रिवर। Is it clear to all of you? अब अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं मैप लेके आता हूँ यहाँ पे एक, आजा भाई, ओके, दिस इज आवर झारखंड, एंड यहाँ पे क्या दिखेगा आपको बीच में? सीएनपी, ओके, ये क्या है? सीएनपी। सीएनपी के नॉर्थ में आपको क्या दिखेगा? हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, ठीक है? और सीएनपी के साउथ में क्या दिखेगा? रांची प्लेटू, ठीक है? रांची प्लेटू, रांची प्लेटू। समझ में आया सभी को? आप लोग के मैप में भी ये होगा, मेरे पास अभी मैप अवेलेबल नहीं है, आप लोग के मैप में भी होगा, फिजिकल मैप में, आप लोग प्लीज उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है? मेरे पास अभी मैप नहीं है झारखंड का, दैट्स व्हाई लेट मी चेक वंस। यस, इफ यू सी दिस इज झारखंड, ठीक है? ये झारखंड है, यहाँ पे बीच में, झारखंड के बीच में आपको, मतलब फिजिकल मैप देखना है आपको, पॉलिटिकल नहीं। झारखंड के बीच में आपको छोटा नागपुर दिख रहा होगा, और छोटा नागपुर के नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा हजारीबाग प्लेटू, और साउथ में दिख रहा होगा रांची प्लेटू। तो सो प्लीज मार्क दिस वन आल्सो, ओके, इन योर मैप, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा मेवाड़, मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू। अच्छा कॉमन सेंस बताओ, भूल जाओ सब कुछ पढ़ाई लिखाई, कभी भी मेवाड़ का नाम सुना है? सुना है कभी भी? मतलब फीलिंग आ रहा है मेवाड़ से कि अरे राजा महाराजा का बात हो रहा है, हो रहा है ना? फीलिंग फील करो कि मेवाड़ से लग रहा होगा कि राजा महाराजा का बात हो रहा है। सर मेवाड़ और कहीं नहीं है, ये हमारे में है, कहाँ पे है? हमारा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो मेवाड़ का प्लेटू जो है, मेवाड़ का पठार कहाँ दिखेगा आपको? राजस्थान में दिखता है। या आपको ईस्ट ऑफ अरावली, मतलब अरावली के पूर्व में दिखता है, अरावली के पूर्व में दिखता है, ईस्ट ऑफ अरावली, ठीक है। तो आप लोग खोलेंगे राजस्थान का मैप, राजस्थान का फिजिकल मैप, राजस्थान का फिजिकल मैप, वहां पे आपको दिखेगा मेवाड़ प्लेटू। इफ यू सी दिस इज मेवाड़ प्लेटू, इसको मार्क कर लेंगे आप लोग, अरावली के ईस्ट में नजर आ रहा होगा, अरावली के ईस्ट में, ठीक है, अरावली के ईस्ट में नजर आ रहा है। ठीक है, डन। मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मालवा प्लेटू, नेक्स्ट लिखिएगा मालवा, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। ये आपको दिखता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपको दिखता है, मध्य प्रदेश में कहाँ दिखेगा? इस जगह पे, इस जगह पे आपको दिखता है, इस जगह पे, ये जो जगह देख रहे हैं ना, इस जगह पे आपको दिखेगा मालवा प्लेटू, ठीक है। ये कौन सा है सर? मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, ठीक है। दिस इज मालवा प्लेटू, दिस इज मेवाड़ प्लेटू। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा सेंट्रल इंडियन प्लेटू, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ओके, सेंट्रल इंडियन प्लेटू। ये कहाँ दिखेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह दिखता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखता है। मतलब थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको राजस्थान में भी इस चीज का नजर आएगा, ठीक है। सेंट्रल इंडियन प्लेटू, सेंट्रल इंडियन प्लेटू कहाँ पे नजर आता है? तो मैप में दिखा रहा हूँ आपको, इस जगह का क्षेत्र, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, इंडियन, ये जगह देख रहे हैं आप, ये जगह देख रहे हैं आप, इस जगह पे आपको नजर आएगा सेंट्रल इंडियन प्लेटू। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में CIP लिख रहा हूं, ठीक है, CIP, CID नहीं, CIP, CIP, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ओके। सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है सर। अगर आपके पास मैप हो तो आप मैप में भी इसका नज़ारा देख सकते हैं कि ये है आपका मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में। अगर आप देखेंगे, दिस इज योर मालवा प्लेटू, मार्क कर लेंगे प्लीज, मार्क मालवा प्लेटू, प्लीज मालवा प्लेटू का आप मार्क कर लेंगे। और सेंट्रल इंडियन प्लेटू भी अगर दिख गया तो बढ़िया है, नहीं दिखा तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। सेंट्रल इंडियन प्लेटू नहीं मिलेगा तो आप लोग वहां पे बना लेंगे खुद से सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है। मैंने दिखाया ना, नहीं दिखा, जैसे कि मैंने दिखाया इस जगह पे मिलेगा आपको, थोड़ा बॉर्डर एरिया में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आपको मिलेगा सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग बुंदेलखंड, बुंदेलखंड प्लेटू। अच्छा कभी सुना है बुंदेलखंड जगह का नाम? कभी सुना है बुंदेलखंड? बुंदेलखंड आपने सुना होगा सर, यूपी में सुना है कभी? यूपी में सुना होगा। तो ये जो बुंदेलखंड प्लेटू है ना, ये आपको साउथ ऑफ यूपी में दिखेगा, यूपी का साउथ में दिखेगा, और नॉर्थ ऑफ एमपी, मतलब एमपी मध्य प्रदेश के नॉर्थ में दिखेगा और यूपी का साउथ में नजर आएगा। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। सो दिस इज योर यूपी, ठीक है, और दिस इज योर एमपी। तो आपको इस जगह पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा पठार सर? बुंदेलखंड, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है सर? बुंदेलखंड। समझ में आया सभी को? मैं मैप में भी इसलिए बनाते चल रहा हूँ ताकि आप लोग मार्क कर सके आपके मैप में, ठीक है। आपके मैप में सिंपल सी बात है, आपको अपने मैप में फिजिकल मैप खोलना है यूपी का, आपको वहां पे दिख जाएगा, और नहीं दिखेगा तो आप लोग खुद से बना लेंगे, ठीक है। चलो, और आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है बुंदेलखंड, सी यहाँ पे दिख रहा है बुंदेलखंड। सो यू कैन मार्क दी बुंदेलखंड आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, सॉरी नॉट उड़ीसा, छत्तीसगढ़? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बघेलखंड प्लेटू। अब बताओ, मुझे बताने का जरूरत है क्या कि बघेलखंड कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में, कह लो कि नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़ प्लस सम पार्ट्स ऑफ यूपी एंड एमपी, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ यूपी एंड एमपी मतलब बुंदेलखंड कहाँ नजर आएगा सर? बुंदेलखंड आपको नजर आएगा यूपी में, ठीक है, यूपी में। और बघेलखंड कहाँ नजर आएगा? छत्तीसगढ़ में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भूपेश बघेल साहब से आपको याद होगा सर, बघेल, ठीक है। तो बघेलखंड, ठीक है, भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल से आपको याद रख सकते हैं आप लोग बघेलखंड। क्या याद रहेगा? बहुत हार्ड है सर। कहाँ दिखता है ये? मैं दिखा रहा हूं आपको कहाँ दिखता है। सो दिस इज योर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में इस साइड में कहीं ना कहीं आपको नजर आता है पूरा बघेलखंड प्लेटू, इस साइड में। दिस इज योर बघेलखंड प्लेटू। ओके, बघेलखंड प्लेटू, ओके, बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड हो गया। सो आपने कभी सुना है, नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, बस्तर जिला कभी सुना है? बस्तर नहीं सुना है तो बस्तर नाम का जिला, मतलब बस्तर नाम का जगह सुना होगा सर, बक्सर। ओके, बस्तर भी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम का भी जगह है। तो एक नाम याद रखिएगा, दंताकारण्य बस्तर प्लेटू, तो बस्तर नाम से आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फाइन सभी को। छत्तीसगढ़ में, अच्छा छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी पढ़ा था हमने, किसी को याद है? बैलाडीला, बैलाडीला, यस बैलाडीला। अगर आपको याद आ रहा हो ना तो बैलाडीला हमने साउथ में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के साउथ में पढ़ा था, मतलब सबसे पढ़ा पढ़ा था गौरलाटा, ठीक है, रामगढ़, और साउथ में पढ़ा था बैलाडीला। तो दंताकारण्य बस्तर प्लेटू जो है ना, ये आपको बैलाडीला के नॉर्थ में दिखेगा, नॉर्थ ऑफ बैलाडीला, बैलाडीला के नॉर्थ में दिखेगा, ठीक है, बैलाडीला माउंटेन के नॉर्थ में दिखेगा। कौन सा पठार? दंताकारण्य बस्तर पठार। ओके सर, मतलब यहाँ पे नजर आता है आपको बैलाडीला, हियर इज योर बैलाडीला, हियर इज योर बैलाडीला, दिस इज बैलाडीला। ओके, तो बैलाडीला के नॉर्थ में आपको नजर आएगा क्या? कौन सा पठार? दंताकारण्य, दंताकारण्य बस्तर का पठार, दंताकारण्य बस्तर पठार, दंताकारण्य बस्तर पठार, ठीक है, दंताकारण्य बस्तर पठार। ठीक है सर, अगर मैं आपको मैप दिखाने का कोशिश करूं, छत्तीसगढ़, यहाँ पे दिख रहा है आपको बैलाडीला, इफ यू सी, यहाँ पे फिजिकल मैप खोलिएगा, फिजिकल मैप, यहाँ पे आपको दिखेगा बैलाडीला, बैलाडीला, और बैलाडीला के नॉर्थ में आपको दिखेगा दंताकारण्य बस्तर का पठार, दंताकारण्य बस्तर पठार, ठीक है, दंताकारण्य बस्तर पठार, आपको उसको मार्क कर लेना है, दंताकारण्य बस्तर पठार, दंताकारण्य बस्तर का पठार, बस्तर पठार, ठीक है, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा शिलोंग, शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग, शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग, शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग। ये कहाँ पे दिखता है? तो ये दिखता है आपको मेघालय में, मेघालय में, ठीक है, शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ दिखेगा आपको? मेघालय में दिखेगा, मेघालय में दिखेगा। ओके सर, मेघालय में दिखेगा, फाइन, मेघालय में दिखेगा। नेक्स्ट सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है दक्कन पठार, दक्कन पठार, दक्कन पठार आपको कहाँ दिखता है? ये बेसिकली आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, एक्सटेंशन इसका आपको कर्नाटका में दिखेगा, ठीक है, कर्नाटका में दिखेगा, तेलंगाना में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे आपको दक्कन का पठार दिखेगा, दक्कन का पठार, दक्कन पठार, डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट लिखेगा कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू। तो ऑब्वियसली बात है सर, कर्नाटका प्लेटू के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा। नेक्स्ट लिखेगा तेलंगाना का पठार, सेम हियर भी, सेम हियर, सब मतलब मेहनत ही नहीं है लाइफ में। तेलंगाना का पठार पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं थोड़ा मैप में बना के भी दिखा दूं आपको, तो दिस इज आवर मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो मेघालय में आपको कौन सा पठार दिखेगा? मेघालय में आपको कौन सा पठार दिखेगा? शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग, शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग। ओके, और सर ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा तेलंगाना, बिरयानी बहुत फेमस है सर हैदराबाद का, तो दिस इज आवर तेलंगाना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना प्लेटू। दिस इज आवर कर्नाटका, कर्नाटक, करोना नाटक, कर्नाटक। यहाँ पे दिखेगा कर्नाटक में आपको कौन सा पठार दिखेगा? कर्नाटका का पठार। एंड सर इस पूरे एरिया में आपको एक पठार देखने को मिलता है, कौन सा पठार है वो? डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 11 पठार बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए हर एक पठार के बारे में, हर एक प्लेटू के बारे में कि कहाँ पे है कैसा नहीं है। अगर मैं नाम लगा के बोलूं तो सर हमने पढ़ा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ में हमने देखा कि हजारीबाग पठार है, साउथ में देखा कि रांची है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि मेवाड़, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। हम लोग एक देखते हैं, एक क्विज करके देखते हैं, ठीक है, कितनों को समझ में आया कितनों को नहीं आया, ठीक है। चलो, यह है ए, यह है बी, यहाँ पे बी था सर, यहाँ पे है सी, यहाँ पे कुछ तो पढ़ा है डी, डी बोल के सर, यहाँ पे हमने पढ़ा है भूपेश बघेल के साथ बघेलखंड, बघेलखंड। बैलाडीला के नॉर्थ में हमने यहाँ पे पढ़ा है, ओ नाम देता हूं मैं इसको, ओ, जिसका नाम था दंताकारण्य बस्तर का पठार। सर यहाँ पे पढ़ा है हमने रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, द ग्रेट छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो इसको मैं देता हूं सी, या फिर कह लो एफ, इसको कहते हैं हम लोग एफ। आप लोग मुझे बताएंगे, ये है आपका एम, ये है आपका M, यहाँ पे जो भी पठार पढ़ा है उसके लिए M। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे पढ़ा है हमने कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग कहाँ पढ़ा है, कार्बी एंगलोंग या फिर शिलोंग कहाँ पढ़ा है, कार्बी एंगलोंग या फिर शिलोंग कहाँ पढ़ा है। वेरी नाइस। कहाँ पे पढ़ा है हमने सेंट्रल इंडियन प्लेटू, सेंट्रल इंडियन प्लेटू कहाँ पड़ा है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू। वेरी नाइस। कहाँ पे पड़ा है हमने मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार कहाँ पड़ा है। तो सर बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, अब तो माइंड में बैठ गया है। कहाँ पे पढ़ा है हमने बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड कहाँ पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है हमने बैलाडीला के नॉर्थ में दंताकारण्य बस्तर प्लेटू, दंताकारण्य बस्तर प्लेटू, दंताकारण्य बस्तर प्लेटू कहाँ पढ़ा है हमने। ओहो, ई कैसे, ई नहीं होगा ना। दंताकारण्य बस्तर प्लेटू हमने छत्तीसगढ़ के साउथ में पढ़ा था सर। साउथ में पढ़ा था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पढ़ा है हमने छोटा नागपुर प्लेटू हजारीबाग प्लेटू के साथ रांची प्लेटू के साथ कहाँ पढ़ा है, ठीक है। So that's all about the plateau, important plateaus, ठीक है, important पठार, important कुछ कुछ पठार जो मैंने बताया उनके बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन था, ठीक है, ओके। So if you see here, मैंने एक फोटो भी लेके आया था मैं, तो अगर आपको दिख रहा होगा, so दिस इज योर मालवा, दिख रहा है क्या, मालवा, दिस इज मालवा, दिस इज बुंदेलखंड, ओके, दिस इज बघेलखंड, दिस इज छोटा नागपुर, दिस इज दंताकारण्य, दिस इज दक्कन, और इधर आपका कार्बी एंगलोंग या फिर शिलोंग, इधर छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो आपको एक फोटो भी मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। So thank you everyone, that's all for today.